नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। माननीय विधायक सदर श्री सीताराम वर्मा जी, विधायक सुल्तानपुर श्रीमान सूर्यभान सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सीओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, मंडलायुक्त अयोध्या, जिलाधिकारी और इस क्षेत्र के पुलिस के हमारे अधिकारीगण, सुल्तानपुर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्य को 2018 में प्रारंभ की। इसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके व्यापक औद्योगिकीकरण की दिशा में पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना, और यह हम सब के सामने स्पष्ट है कि विगत एक वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना महामारी के बावजूद जिस तत्परता के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को आज संपन्नता की ओर बढ़ाया जा रहा है, वह देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी अपने आप में एक उदाहरण बनता जा रहा है। हम जिस स्थान पर हैं, ये एक एयरस्ट्रिप भी बन रही है, यानी यहाँ पे बड़े से बड़े विमान को इस स्थान पर उतारा जा सकता है। अगर कभी इमरजेंसी में हमें कोई विमान उतारना हो तो इस स्थान पर आराम से उसको उतार करके लोगों को सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और सुल्तानपुर वासियों को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि यह सुविधा सुल्तानपुर जनपद को प्राप्त हुई है। एक्सप्रेसवे हमारा प्रयास है कि हर हाल में 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यह एक्सप्रेसवे बने, और एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण हो, ये सरकार की अपेक्षा है और हम लोग इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। विकास में हम सबका एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है, हमें समृद्धि और खुशहाली का मार्ग विकास के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। ये केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्धि के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, ये व्यापक संभावनाओं का एक क्षेत्र बनेगा, औद्योगिक निवेश होगा, और ये औद्योगिक निवेश भविष्य में इस पूरे क्षेत्र के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हमारा नौजवान देश और दुनिया के अंदर पलायन करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का उपयोग हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक नए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में यहाँ का नौजवान यहीं से अपना योगदान दे, इस विश्वास के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। राजसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज आपके जनपद में आया हूं।
आप सभी भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इसके लिए इन सभी कार्यों की प्रति रुचि रखने के लिए अपने विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष वर्मा जी और आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको हृदय से मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास के प्रति जो एक रचनात्मक माहौल आप सबने बनाया है, ये निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।